जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सीआई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशतता यानी परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूं, बल्कि नेक्स्ट का है ये एंड है, आखिरी वीडियो है प्रतिशत का। और हम देखेंगे विविध प्रश्न का पार्ट टू यानी बी पार्ट। ए पार्ट कल आ चुका है, आज हम देखेंगे बी पार्ट। तो आइए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं चुटकियों में। देखिए ये क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से, क्वेश्चन है सेम चक्रवृद्धि ब्याज जैसा ही है, उस फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल फॉर्मूला बता देता हूं उससे हम भी निकाल सकते हैं इसकी। देखिए कह रहा है कि एक वृक्ष है 10% वार्षिक दर से बढ़ोतरी हो रही है, यदि यानी 10 10 10 तीन साल, कह रहा है तीन साल बाद, वर्तमान 5 फीट है, तीन साल बाद क्या होगा। तो 11 11 करके आप बना सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के मेथड से भी, लेकिन अब फिलहाल हम उस मेथड से नहीं बता रहे हैं आपको, एक सिंपल फॉर्मूला बता देते हैं उसी से निकल जाएगा। देखिए कह रहा है कि हाँ कितना वृद्धि होगी, तो वृक्ष में वृद्धि या वृक्ष की वृद्धि, वृक्ष में वृद्धि क्या हो जाएगा, वर्तमान ऊंचाई और गुना, ये 10 है ना, तो 110 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, 10% वृद्धि है। और टी पावर में टी यानी बोले तो 3 वर्ष है, तो 3 कर दीजिए। अब देखिए वर्तमान ऊंचाई कितनी है इसकी, आपसे पूछ रहा है ना कि 3 वर्ष बाद वो कितना ऊंचा हो जाएगा, तो वृक्ष में जो वृद्धि होगी, कुल ऊंचाई होगी, कुल वृद्धि होगी, चाहे कुल ऊंचाई कर दीजिए, वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तीन वर्ष बाद ठीक है, इसको लिख लीजिएगा पूरा अगर लिखना चाहे तो, 3 वर्ष बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्तमान ऊंचाई गुने 110 बटा 100 कर दीजिए। और सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्तमान ऊंचाई 5 फीट है और इसका जब 3 बार गुना करिएगा 110 का, तो 11 11 है 121, और 121 में 11 से गुना करिएगा तो आपका जो आएगा 3 3 3 1331 1331, और 3 बार गुना करिएगा तो 3 0 बैठ जाएगा, और यहाँ 3 बार गुना होगा तो 2 2 4 और 2 6, 3 0 से 3 0 गव। अब क्या बच रहा है, 3 अंक खसक जाएगा इधर, ये 1 point something हो जाएगा जब 1000 से भाग देंगे तो, 5 फीट और गुने 1000 से भाग देंगे तो 1.331, 5 से गुना कर दिया जाएगा तो 5 एकम 5 5 15 के 5 हाथ में कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 3 15 और 1 कितना होगा, 16 हो जाएगा, और 5 एकम 5, 3 अंक दशमलव है, 3 अंक दशमलव बैठा दिया जाए, ठीक है। और सॉरी 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1 है, और 5 एकम 5 1 6, ठीक है, कितना आया, 6.65, यानी ये अगर हम लिखना चाहें इसको तो 6.66 लिख सकते हैं, इतना फीट आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि ये 5.5 है, तो इसको कितने के अप्रोक्स मान लेंगे, 6 के अप्रोक्स मान लेंगे, इसको कितने के अप्रोक्स मान लेंगे, 6 के अप्रोक्स, किसके साथ आंसर जा रहा है, ए के साथ जा रहा है, नोट कर लिया जाए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बेहद ही आसान है, घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं वारसी एडुकेशन अब से, तो बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं बार बार यही बात बोलता हूं, क्या कहा जा रहा है उसी के हिसाब से चलते जाते हैं, आंसर आ जाएगा। बोल रहा है 24.0 का 10%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 10 से 10 गया, ठीक है, कितना मान आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, 10 से भाग इसमें दीजिए तो 1 दशमलव और घसक जाएगा, यानी 2.402 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है इतना का, इसको भी लिख लेते हैं, 24.2 का मतलब इतना का, इतना के या का गुना होगा 10% 10 बटा 100, का लगाना है तो का लगा दीजिए, इतना का 10% से कितना कम है, कमी निकालना है पहले, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 10 से भाग दे दीजिए तो 2.42, अब कमी क्या हो जाएगा, घटा दीजिए इसमें से 2.42 में से 2.402 घटा दीजिए, जो अंतर आएगा वही कमी होगा, सिंपल सी बात है, दोनों का मान निकाल लिया, कितना कम है, अंतर निकाल दीजिए पता चल जाएगा कितना कम है, चलिए हो गया। मैं बोलूँगा 7 से
पांच कितना कम है, तो सात में से पांच घटा दीजिए, दो कम है, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, कोई बड़ा चीज नहीं कर रहे हैं। इसको घटा लीजिए 4.42 और 2.402 तो ऊपर जीरो बैठा दीजिए, ये घटाइएगा तो आठ, ये एक उधर गया था तो एक बचा, जीरो जीरो 0.018 किसके साथ जा रहा है, सी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल बेहद ही आसान। पी का मतलब गुना, पी प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, इक्वल टू 36, तो पी का मान निकालना है, पी पी गुना होगा तो पी का स्क्वायर, 100 उधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा, पी इक्वल टू रूट अंडर 3600 यानी 60 का क्या है, 3600 का वर्गमूल 60 होगा, सिंपल है, किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों बेहद सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चे की तरह सॉल्व करिए, जैसे कह रहा है वैसे चलिए, आंसर आ जाएगा। बोल रहा है ना कि a प्लस बी का 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25%, तो कहा जा रहा है तो b का कितना प्रतिशत a है भैया, तो हम सॉल्व करके बता देते हैं, a प्लस बी का मतलब गुना, 15% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, a माइनस बी का मतलब गुना, 25% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 100 तो ऐसे ही कट जाएगा, 15 से इधर गुना कर दीजिए तो 15a प्लस 15b इक्वल टू 25a माइनस 25b, ये इधर इसको उधर लेके चले जाइए, तो 25a में से कितना 15a घटेगा और 15b और ये इधर आएगा तो प्लस 25b, ठीक है, 25 और 15 40b और ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो 10a, 10 चौका 40 यानी a इक्वल टू 4b, तो एक ए जो है बी का कितना गुना है, कितना गुना है, चार गुना है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो सिंपल ए बी का कितना गुना है, बी का चार गुना है, कितना गुना है, चार गुना है, अगर हम प्रतिशत में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी का मतलब गुना, कितना गुना है, चार गुना, देखिए चार है, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से भाग करते हैं, प्रतिशत लाना है तो 400 से गुना करिए, यानी कितना गुना है, प्रतिशत में 400% है, कितना है, 400% है, किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है, ए बी का चार गुना, मतलब बी का मतलब गुना, प्रतिशत मतलब 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत आ जाएगा, 100 से भाग करिए हट जाएगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना, बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका था, फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। बेहद ही सिंपल बेहद ही आसान बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए 160 का मतलब गुना 45, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 250 का मतलब गुना 40, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, जो पूछ रहा है उसको x मान लीजिए, यानी x माइनस 23, चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, 100 हो जाएगा, अच्छा काट पिट कर लेते हैं, पहले इतना भाग लेके क्या चलना, दो जीरो से दो जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और अगर हम बात काटने की करेंगे तो 2 5 10 और 2 8 16 और 5 9 45 हो गया सॉल्व, 5 8 9 72 और 25 4 100 एक्स माइनस 23, एक्स इक्वल टू 72 यानी 172 ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 23, ठीक है, क्योंकि x को इधर रखा और 23 को इधर लेके आ गया, 3 2 5 7 2 9 और 195, 3 8 2 5 और 7 2 9 और 195, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, जब कोई नहीं आ रहा है तो सिंपल है कि इनमें से ऑप्शन जो होगा कोई नहीं होगा, ठीक है, 160 का 45% और 250 का 40% है, 145 यानी इनमें से कोई नहीं, ई के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, 14% है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर इसमें से मैच कर जाएगा, तो 14% पे सॉल्व करें, वैसे बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, हमने 40% पे सॉल्व किया है, ठीक है, 14% पे अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो करके दिखा देता हूं, देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों,
अगर इसके इस हिसाब से सॉल्व करेंगे 40% के हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं, और 14% के हिसाब से सॉल्व करके देख लेते हैं। 160 का मतलब गुना 45% आने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 250 का मतलब गुना और 14% आने के लिए 100 से भाग, x मान लीजिए इसको और -23, यही है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 गया और 5 × 2 = 10 और 5 × 25, 2 × 7 = 14 और 10 से 10, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 5 × 9 = 45, 8 × 9 = 72, 7 × 5 = 35 और x − 23, x इसको जोड़ दीजिए, 5 × 2 = 7, 7 × 3 = 10 और 23 उधर प्लस में जाएगा, तो 23 जोड़ेंगे 160 में तो कितना आएगा, 130 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। 14% पे सॉल्व करिएगा तो वैसे क्वेश्चन में 14% लिखा, मिस्टेक था, तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल प्रोसेस यही रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 40% पे सॉल्व कीजिए तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मौजूद है, और जो क्वेश्चन था उस पर सॉल्व करिए तो आंसर मैच कर रहा है, ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन, अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। आइए दोस्तों, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी तरीका है, एकदम घबराना नहीं है। देखिए, इन कुल में इतना का 64% में भाग देना है 4 से, तो एक बोला है कि यहाँ कौन सी मान होगा, इसको x मान लीजिए, -5 भाग, ठीक है, भागा 5 है, कोई बात नहीं, 750 का मतलब गुना 64/100 कर दीजिए, ठीक है, भागा 4, x भागा 5, भागा 5 को सीधे लिख दीजिए, x बटा 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 10 गया, 2 × 5 = 10, ठीक है, और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30 और 15 × 3 = 45 और 3 = 48 भागे 4, भागा 4 का मतलब क्या है, बटा 4 कर दीजिए, ठीक है, 4 × 4 = 8 = 0, ठीक है, x बटा 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60, 10 बैठा दीजिए, किसके साथ जा रहा है, d के साथ जा रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, x का इसमें गुना 5 का इसमें गुना हो जाएगा, x इक्वल टू 600 आएगा, बिल्कुल सिंपल। देखिए, बैंक पीओ 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। अगेन एंड अगेन बैंक पीओ 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहद ही सिंपल है। देखिए, 3600 का मतलब गुना 7/9 का मतलब गुना 45% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए का मतलब गुना 35% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, इसी का मान पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं, जो भी मान आएगा, 2 × 0 = 2 का, वह अब कोई कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 5 × 2 = 10 = 20, 5 × 7 = 35 और 5 × 4 = 20 और 5 × 9 = 45 और कोई किसी से कट रहा है, 4 × 9 = 36 और 9 × 1 = 9 अब बच गया 7 × 7 = 49 गुने 9 × 9 = 81 4 × 9 = 36 और 8 = 44 441 डी के साथ जाएगा, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। नोट डाउन करिए, एकदम चुटकियों में उड़ाते चलना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक पीओ 2008 अगेन एंड अगेन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसका मान निकालना है, पूछ रहा है वाट, सॉल्व कर लेते हैं, 4240 का मतलब गुना 3/5 का मतलब गुना 75% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए का मतलब गुना 25% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 10 से 10 का, वह अब क्या बच रहा है, 25 × 4 = 100 और इसको 4 से काटेंगे, 4 × 3 नहीं कटेगा, 3 × 4 = 4 = 3 = 35 35 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ये 4 से कट जाना चाहिए, कट जाएगा, 4 × 4 और 4 × 6 = 24 106। चलिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 से ये कट जाएगा, 15 × 5 = 75 5 × 5 = 75 हो और ऊपर क्या बचा है हमारा 15, तो ये कटेगा, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, ये 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, क्या बचा हमारे पास, 53 × ये 3 और ये 3, 9 बचा, 9 × 3 = 27 के साथ हाथ में 2 × 9 = 45 × 2 = 47 477 किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, डरते हम थोड़े हैं किसी से, उड़ाते चलिए क्वेश्चन चुटकियों में। आइए दोस्तों, बेझिझक अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2009 बैंक पीओ में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है,
500 का मतलब गुना 6/7 का मतलब गुना 42% हटाने के लिए 100 से भाग का मतलब गुना 35% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। 20 से 20 स्वाहा, 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 20 बार में चला गया। ठीक है, अब हमारा क्या बच रहा है कटने वाला देख लेते हैं। 2 से काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 7×6 = 42। ठीक है, अब ये 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, 3×3 = 9 × 7, इस पूरे का मान पूछ रहा था निकल गया। 7×9 = 63, 7×9 = 63। ठीक है, क्वेश्चन सही है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 500 का 6/7 का 42% का 35%, बैंक पीओ 2009। ठीक है, 36, 44, 52 और 60, 500 का 6/7। ठीक है, क्वेश्चन सही है, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ई के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। बैंक पीओ 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हमेशा की तरह ये आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ए बी सी डी ई तक ऑप्शन मौजूद है, जिसके साथ जाएगा तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर लेकर आएंगा आप लोगों के सामने। वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए, आप भूल जाते हैं नीचे लाइक का बटन मौजूद है, और वीडियो को शेयर भी करिए अधिक से अधिक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। और जो भी नए फ्रेंड वीडियो देखे हैं उनको अच्छा लगा हो, उनके लिए बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, बहुत सारा नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूँ, सारा लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, सरलीकरण पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लसा एलसीएम एन एससीए पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे चैप्टर लगभग कवर हो चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पैसा मत देना भाई, और पैसा नहीं मानूंगा आपसे, पैसा मत देना, बस नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।